हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं नई स्केचिंग के साथ मैं दोबारा वापस आई हूँ। ये एक प्यारे से क्यूट से बच्चे की स्केचिंग है। ड्रॉ मैंने इसमें पहले से ही कर लिया था और स्टार्ट में आईज से कर रही हूँ। आप देखिएगा, पहले मैंने लाइट सेक्शंस को पहले ड्रॉ कर लिया, फिर मैं डार्क करती हुई जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैं HB की पेंसिल से मैंने पहले इसको ड्रॉ किया और फिर 2B की पेंसिल से मैंने इसको हल्की हल्की शेड से स्केच कर लिया। फिर मैंने इसको पूरा ब्लेंड करके फिर डार्क सेक्शन मैंने इसके कंप्लीट करे। देखिए आईज़ कितनी प्यारी लग रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपनी स्केचिंग से ये सीखा है कि जितना भी जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लो, आपको वो फिनिशिंग नहीं मिलेगी जितना आपको पेशेंस रख के आपको जो फिनिशिंग मिल जाएगी। मेरे आप इससे पहले की भी स्केचिंग देखना जाकर मेरे ऐसी यूट्यूब के चैनल पर, इतनी फिनिशिंग आपको नहीं मिलेगी। बट ये स्केच मैंने बहुत तसल्ली से बनाया है, बहुत पेशेंस से बनाया है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और ये भी नहीं सोचना है कि बहुत जल्दी जल्दी हमें स्केच को कम्प्लीट करना है। मैं जब इस स्केच को कंप्लीट कर रही थी तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये कितने दिन में बनेगी जाकर, मुझे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि और भी काम होते हैं मेरे पास, सिर्फ स्केचिंग नहीं है। मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशंस भी देती हूँ, तो सब कुछ मैनेज करना प्लस ये स्केच को भी कंप्लीट करना बहुत बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। बट मैंने सोच लिया था, भले ही मैं वीडियो धीरे धीरे अपलोड करूँ, ज़्यादा मतलब डेली डेली अपलोड ना करूँ, बट मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की स्केचिंग अपलोड करनी है। लास्ट में जब मैं ये स्केच करने में मुझे पूरा 6 डे लग गया, और अब मैंने ये जब पूरा कंप्लीट कर लिया, जब मैंने ये, फिर मुझे खुद से ही मन में सेटिस्फेक्शन आई कि वाह स्वाति, ये तुमने बनाए हैं। फेस में हमें डार्क सेक्शंस का विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे देखिए, मैंने जहाँ जहाँ पे डार्क थे ना, वहाँ पर मैंने HB प्लस 2B दोनों पेंसिल का यूज़ किया है, और जहाँ लाइट है मैंने वहाँ उस सेक्शन को लाइट ही छोड़ा है, मैंने उस सेक्शन में शेड दिया ही नहीं है। और आप देखिए हेयर्स कितना रियलिस्टिक लुक दे रहे हैं। हेयर्स के लिए मैंने एकदम से डार्क नहीं किया, उसे लाइट से डार्क की तरफ को गए हैं। पहले जो लाइट पेंसिल है, लाइक जैसे HB हो गई, 2B हो गई और 3B हो गई, इन पेंसिलों से मैंने इनको शेड किया, देन फिर ब्लेंड किया, फिर शेड किया, फिर ब्लेंड किया, उसके बाद मुझे ये डार्क सेक्शन डार्क शेडिंग मिली है मुझको। आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं इस बेबी के बाल। उसके बाद मैं इसके हैंड्स पर आई हूँ। हैंड पे देखिए, जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ पे मैंने एज यूजुअल डार्क किया है, और जहाँ जहाँ पर लाइट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है उसे मैंने लाइट ही रखा है। और ये लास्ट शेडिंग कंप्लीट करते हुए मैंने इस पूरे स्केच को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग।